तो हेलो मिस्टीरियस बुक मेंबर्स, मैं हूं आपका दोस्त मोनू एंड वेलकम इन मिस्टीरियस बुक चैनल। बिल गोल्डबर्ग रेसलिंग जगत में एक ऐसा नाम है दोस्तों जिनके जैसा शायद ही कभी कोई आ पाए। गोल्डबर्ग को 173 शून्य की अपराजय स्ट्रीक के लिए जाना जाता है, पर आज हम गोल्डबर्ग से जुड़ा एक ऐसा राज आपको बताएंगे जिसे सुनने के बाद आप हिल जाएंगे। कौन सा है वह राज जिससे पता चल जाता है कि गोल्डबर्ग मैच जीतेंगे या नहीं, चलिए जानते हैं मिस्टीरियस बुक के इस खास अंक में। तो देर किस बात की, बिना देर किए सीधे खोलते हैं मिस्टीरियस बुक को और जानते हैं गोल्डबर्ग के उस राज के बारे में। तो दोस्तों, जो यह राज है जिसे आप ट्रिक भी कह सकते हैं, यह आजकल कंपनी में आप इसे लागू होता हुआ देख सकते हैं। यह एक ऐसी ट्रिक है जिससे आपको गोल्डबर्ग के मैच शुरू होने से पहले ही पता चल जाएगा कि गोल्डबर्ग मैच जीतेंगे या नहीं। WWE वाले सारा खेल गोल्डबर्ग की दाढ़ी के साथ खेलते हैं। कंपनी वालों को जब गोल्डबर्ग को मैच में जितवाना होता है तो वह गोल्डबर्ग की दाढ़ी बनवा के भेजते हैं, यानी गोल्डबर्ग जो फ्रेंच टाइप का दाढ़ी रखते हैं वह दाढ़ी बना के आते हैं। और जब गोल्डबर्ग को मैच हरवाना होता है तो वह गोल्डबर्ग की दाढ़ी नहीं बनवाते हैं, यानी गोल्डबर्ग के पूरे मुंह में दाढ़ी आई रहती है और वह बूढ़े टाइप के नजर आते हैं। चलिए अब प्रूफ के साथ आपको समझाता हूँ। पहले नजर डालिए गोल्डबर्ग बनाम डॉल्फ जिगलर वाले मैच में। यहाँ गोल्डबर्ग पूरा दाढ़ी बना के आए थे, यानी फ्रेंच वाली दाढ़ी उनके मुंह में साफ दिख रही है। आप ध्यान से देख लीजिए, अगल बगल का दाढ़ी साफ है, यानी इस मैच के शुरू होने से पहले ही मुझे पता चल गया था यहाँ गोल्डबर्ग मैच जीत जाएंगे, और ऐसा हुआ भी। गोल्डबर्ग की दाढ़ी को आप ध्यान से देख लीजिए, पूरा बना के आए हैं, कटट रख के आए हैं, तो इसका मतलब मैच जीतेंगे ही जीतेंगे। यानी गोल्डबर्ग पूरा फ्रेंच कट रख के आए हुए हैं, अगल बगल का दाढ़ी साफ है, यानी यहाँ पर जवान टाइप के गोल्डबर्ग दिखाए गए हैं WWE की तरफ से, इस वजह से वह मैच जीत गए। चलिए अब नजर डालते हैं डेडमैन के साथ हुए गोल्डबर्ग के ड्रीम मुकाबले में। यहाँ भी मैच शुरू होने से पहले मुझे पता चल गया था गोल्डबर्ग मैच हार जाएंगे, क्योंकि यहाँ गोल्डबर्ग दाढ़ी बना के नहीं आए थे दोस्तों, पूरे मुंह में दाढ़ी है, यानी बूढ़े टाइप के वह नजर आ रहे थे। इस समय मैंने प्रोडक्शन करके आपको बताया भी था कि यहाँ डेडमैन जीत जाएंगे, उस समय कुछ लोग मुझे ही ज्ञान दे रहे थे, पर यहाँ पर गोल्डबर्ग की दाढ़ी देख लीजिए। कंपनी वालों को जब गोल्डबर्ग को हरवाना होता है तो वह उनकी दाढ़ी नहीं बनवाते हैं। इस मैच को इंटरनेट पे भी देख लेना और इस फोटो में साफ देख लीजिए, गोल्डबर्ग दाढ़ी बना के नहीं आए हैं, जिससे साफ पता चलता है दोस्तों कि कंपनी वालों को जब हरवाना होता है गोल्डबर्ग को तो वह दाढ़ी नहीं बनवाते हैं उनकी। चलिए अब चर्चा करते हैं गोल्डबर्ग बनाम फिंड ब्रे वाइट के बीच हुए मुकाबले में। यहाँ गोल्डबर्ग जीत गए थे दोस्तों, और उनकी दाढ़ी देख लीजिए, वह पूरा दाढ़ी बना के आए हैं, फ्रेंच कट रख के आए हैं, इसलिए यह मैच जैसे ही शुरू हुआ था उसी समय मुझे पता चल गया था गोल्डबर्ग यहाँ जीत जाएंगे, और मैंने यहाँ पे प्रोडक्शन भी किया हुआ था गोल्डबर्ग मैच जीतेंगे। गोल्डबर्ग की दाढ़ी पे नजर डाल लीजिए दोस्तों, एक बार यह मैच दोबारा देख लेना और गोल्डबर्ग की दाढ़ी देख लेना, पूरा फ्रेंच कट रख के आए हुए हैं, अगल बगल का दाढ़ी साफ है, इस वजह से गोल्डबर्ग ने फिंड को कूट डाला। वजह साफ है, कंपनी वालों को जब जीतवाना होता है गोल्डबर्ग को तो वह जवान गोल्डबर्ग दिखाते हैं, इस वजह से उन्हें दाढ़ी बनवा के भेजते हैं। यह एक ऐसा दौर था दोस्तों जिस समय फिंड टॉप स्टार थे और कोई सपने में भी नहीं सोच सकता था कि फिंड हार जाएंगे, पर मैच शुरू होने से पहले गोल्डबर्ग की दाढ़ी देखकर मैं समझ गया था कि गोल्डबर्ग बड़े आराम से यहाँ पर मैच जीत जाएंगे। जब सारी चर्चा हो गई है तो गोल्डबर्ग के अंतिम मैच को क्यों भूलें, चलिए वह भी चर्चा कर लेते हैं जो ब्रॉन स्ट्रोमन के साथ हुआ था। यहाँ पर गोल्डबर्ग दाढ़ी बना के नहीं आए थे, मैच शुरू होने से पहले ही मैं समझ गया था यहाँ गोल्डबर्ग हार जाएंगे दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर दाढ़ी बना के नहीं भेजा कंपनी वालों ने उन्हें। और मैंने पहले भी कहा था जब गोल्डबर्ग को हरवाना होता है तो उन्हें बूढ़ा टाइप का बना के भेजते हैं कंपनी वाले, उनकी दाढ़ी नहीं कटवाते हैं। यहाँ पे साफ देख लेना आप इस मैच में, गोल्डबर्ग के पूरे मुंह
में दाढ़ी है और फ्रेंच कट कहीं दिख नहीं रहा उनके मुंह में। इस वजह से यहाँ पर गोल्डबर्ग हार गए दोस्तों। और मैच शुरू होने से पहले ही मैं समझ गया था कि कंपनी वाले यहाँ पर गोल्डबर्ग को हरवाएंगे। तो जो मैंने आपको यह राज बताया, यह एक ऐसा ट्रिक है दोस्तों जिसे प्रोडक्शन एक्सपर्ट जो होते हैं वह यूज करते हैं। इस वजह से कई बार उनके प्रोडक्शन सही हो जाते हैं दोस्तों। 100% प्रोडक्शन सही होता है गोल्डबर्ग के मामले में। तो आइंदा जब भविष्य में कभी गोल्डबर्ग का मैच होगा तो मैच जैसे ही शुरू होता है आप गोल्डबर्ग की दाढ़ी पे नजर डाल लेना। अगर फ्रेंच कट दिख रहा है तो उसी समय समझ जाना मैच गोल्डबर्ग ही जीतेंगे, और अगर दाढ़ी बना के नहीं आते हैं, पूरे मुंह में दाढ़ी उगी हुई है, तो गोल्डबर्ग हार जाएंगे। ब्रॉक लेसनर के मामले में भी ऐसा ही हुआ था दोस्तों। जब उन्होंने लेसनर का कुटान किया था तो उस समय भी फ्रेंच कट मार के आए थे गोल्डबर्ग। तो यह एक ऐसा ट्रिक है दोस्तों जो कई सारे लोग बताते नहीं है। हमने आपको बताया है, इसलिए वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जल्द मिलेंगे, तब तक रखिए अपना ख्याल। मैं मोनू लेता हूँ आप सभी से विदा। नमस्कार।